हर हर महादेव। केदारनाथ धाम ट्रिप प्लान इन जुलाई मंथ। अगर आप जुलाई महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जुलाई मंथ के लिए अपना केदारनाथ धाम का ट्रिप प्लान कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, चार धाम की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुलाई के महीने में केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि जुलाई के महीने में मौसम कैसा होगा और उनको क्या क्या तैयारी करनी होगी। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन ट्रिप प्लान बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर देता रहता हूँ ताकि आप लोग अपनी यात्रा सही तरीके से कर सकें। तो देखिए, अगर आप जुलाई के महीने में अपनी यात्रा पर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जुलाई का जो महीना होता है मानसून का महीना होता है, यानी आपको बारिश देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ मानसून की बात नहीं करेंगे, अभी हम पहले बात करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या तैयारी करनी। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन है वो इस वेबसाइट के माध्यम से होता है। आप चाहें तो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनकी एप्लीकेशंस के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं आपको इनकी एप्लीकेशंस का भी लिंक दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल करके आप मोबाइल से भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप खुद से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो आप मेरे माध्यम से भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया और जो आपकी यात्रा पे डेट पड़ेगी उस डेट पे आपको केदारनाथ धाम पहुंचना है। सपोज करिए आपने 12 जुलाई या 15 जुलाई आपने केदारनाथ धाम की डेट को सिलेक्ट किया है तो आपको 14 जुलाई को हरिद्वार से निकलना है और 13 जुलाई को फिर आपको हरिद्वार पहुँचना होगा, क्योंकि जो हरिद्वार से बसें चलती हैं उस पर मॉर्निंग में 5 बजे बस निकल जाती है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बस के माध्यम से इस यात्रा को करना चाहते हैं, हालांकि अगर आप गाड़ी के माध्यम से भी करना चाहते हैं तो वो भी सर्विस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं बस के माध्यम से यात्रा करने की जानकारी देने वाला हूँ। तो जो बस की बुकिंग है वो आप मेरे माध्यम से करा सकते हैं या फिर आप रेड बस जैसी एप्लीकेशन पे भी जाके कर सकते हैं। आपको बस यहाँ हरिद्वार लिखना है और यहाँ आपको सोनप्रयाग लिखना है और जो भी आपकी डेट है, सपोज के जुलाई है आपकी 14 जुलाई, तो आपको सर्च वाला ऑप्शन में क्लिक करके, सॉरी यहाँ जून आ गया, यहाँ से फिलहाल मैं जुलाई कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, अभी फ़िलहाल सारी की सारी बसें खाली पड़ी हैं। तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो हरिद्वार आके भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन हरिद्वार आके थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि कभी कभी अगर इस टाइम भीड़ ज़्यादा हो गई तो फिर उम्मीद है कि आपको सीट ना मिले या फिर आपको आपकी पसंद की सीट ना मिले, हो सकता है आपको खड़े होकर जाना पड़े। तो सबसे पहला काम तो आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दूसरा काम, आपको अपने लिए एक बस की बुकिंग कर लेनी है। तो बस आपकी सुबह हरिद्वार से 5 बजे निकलती है और 3-4 बजे के आसपास वो आपको सोनप्रयाग से पहले सीतापुर पड़ता है वहाँ उतार देगी और वहाँ से फिर आपको गौरीकुंड टैक्सी में जाना होता है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो टैक्सी किराया है 50 रुपये होता है। तो पहला दिन तो आपका देखिए गौरीकुंड स्टे हो जाएगा। ठीक है, तो स्टे के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट का है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप केवल मेरे चैनल पे आके यहाँ GMVN लिखेंगे, GMVN लिखते ही केदारनाथ धाम से जुड़े देखिए मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, जहाँ मैंने गौरीकुंड का भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। यहाँ मैं गौरीकुंड सर्च कर लेता हूँ, यहाँ देखिए गौरीकुंड का मैंने यहाँ दे रखा है। आप चाहें तो मेरे इन वीडियो को देख के, ये गवर्नमेंट का है, मेरे इस वीडियो को देख के आप अपनी रूम की बुकिंग अभी से कर सकते हैं, आपको वहाँ आराम से जुलाई के महीने में रूम मिल जाएगा। तीसरा काम आपका हो गया रूम का। इसी तरह आप केदारनाथ में तो देखिए आपको जो ऑनलाइन डॉर्मेट्री होता है वो तो फुल होगा, लेकिन आप ऑन द स्पॉट जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जो जुलाई का टाइम होता है उसमें भीड़ कम होती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, आपकी बस की बुकिंग हो गई और आपकी रूम की बुकिंग हो गई। अब जरूरी आपके लिए सामान, वो सामान जो आपको अपने साथ रखना है। तो देखिए, रेनकोट तो आपके पास होना चाहिए, एक जैकेट भी आपके पास होनी चाहिए,
गर्म कपड़े आपके साथ होने चाहिए, टोपा हो गया, दस्ताने हो गए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो आपका बैग है वो भी वाटरप्रूफ होना चाहिए, क्योंकि जो जुलाई का महीना है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश वहाँ मिलने वाली है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी अपन चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, केवल आप यहाँ लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट लिखते ही केदारनाथ प्रोडक्ट की देखिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। इस वीडियो के अंदर मैंने उन सभी लिस्ट की जानकारी दे रखी है, उन सभी प्रोडक्ट की जानकारी दे रखी है जो कि आपको अपने साथ रखने हैं। तो आप मेरे इन वीडियो को देख के उन लिस्ट को अभी से तैयार कर लीजिए जो आपको अपने साथ लेके जानी है। रेनकोट तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको अपने साथ रखना ही रखना है, और जैकेट भी आपको अपने साथ रखनी है, और जो शूज़ होते हैं शूज़ भी आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि अगर आप जुलाई के महीने में जा रहे हैं तो आपको जगह जगह कीचड़ भी मिल सकती है और आपका पैर फिसलने का डर भी रहेगा। तो इस सिचुएशन में आपके जूते भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जूतों की जानकारी भी देखी मैंने अपने इस वीडियो के अंदर दे रखी है, मैंने इसके अंदर एक वाटरप्रूफ शूज़ दिखा रखे, आप उस शूज़ को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो अभी तो देखिए जून का महीना चल रहा है, यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में देखें, लेकिन इस वीडियो को मैं जून में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जुलाई का महीना आने में अभी टाइम है। लेकिन आप अभी से ही अपनी तैयारी करके रखिए। पहला स्टे आपका गौरीकुंड होने वाला है, दूसरा स्टे आपका केदारनाथ धाम होने वाला है, और तीसरे दिन जब आप नीचे उतरेंगे तो तीसरा स्टे आपका सोनप्रयाग होगा, और चौथे दिन आप हरिद्वार वापसी आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं देखिए ऑनलाइन अगर आप डोमेट्री बुक करते हैं तो आपको 400 रुपये का गौरीकुंड में आराम से मिल जाएगा, और ऊपर डोमेट्री केदारनाथ धाम में आपको 800 रुपये के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफ सीजन का टाइम होता है तो आपको बहुत आराम से कम प्राइस में मिल जाएगा। मैं सिंगल पर्सन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप रूम लेंगे रूम भी आपको 700-800 के आसपास गौरीकुंड में मिल जाएगा, और केदारनाथ धाम में आपको 1000-1500 के आसपास रूम भी बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफ सीजन है, जुलाई के महीने में बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। और रही दर्शन की बात, तो दर्शन तो आप जितने मर्जी जाके चक्कर लगाइए, आपको भीड़ नहीं मिलने वाली, पूरा खाली पड़ा होता है जुलाई का महीना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल भोलेनाथ की भक्ति से मतलब है, दर्शन करने से मतलब, तो इसलिए वो लोग जुलाई महीने का ही प्रोग्राम बनाते हैं ताकि जुलाई में वो तसल्ली से भोलेनाथ के दर्शन कर सकें, गर्भगृह में जाके पूजा कर सकें, और उनको रुकने की भी कोई परेशानी ना आए और ना ही जाने में कोई परेशानी ना आए। तो देखिए ना तो आपको रुकने की परेशानी आने वाली, ना ही आपको दर्शन करने को लेकर परेशानी आएगी, और ना ही आपको बस को लेकर परेशानी आएगी। बस जो एक थोड़ी सी परेशानी आनी है वो आनी है बारिश की। अब ऐसा नहीं कि बारिश कंटिन्यू होती रहेगी, बारिश भी कभी कभी होगी, लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल तैयार होके जाइए। रेनकोट अगर आपके पास में है, एक जैकेट आपके पास में है, वाटरप्रूफ शूज आपके पास में, वाटरप्रूफ बैग आपके पास में, तो फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा जो जुलाई के महीने में अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बस से लेके रूम से लेके रजिस्ट्रेशन लेके सब कुछ। रजिस्ट्रेशन तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो रजिस्ट्रेशन तो आप ज़रूर करके आइए, बस आपको ऑन द स्पॉट भी मिल जाएगी, रूम भी आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, क्योंकि जुलाई का महीना ऑफ सीजन होता है तो कुछ ना कुछ आपको रहने के साधन मिल जाएंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए, तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हर हर महादेव।